फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं आईफोन 16 प्लस के बारे में। इससे भी महंगा आपको देखने को 16 प्रो मिलेगा और 16 प्रो मैक्स देखने को मिलेगा। हालांकि आईफोन 16 प्लस की कीमत करीब आपको 90,000 रुपये देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको 16 प्रो की कीमत करीब 1,20,000 होगी और प्रो मैक्स की कीमत आपको 1,45,000 के समथिंग होगी। हम बेस वेरियंट की बात कर रहे हैं जो 128 GB का होगा। बाकी इसके स्टोरेज के हिसाब से इसका प्राइस बढ़ता जाता है। ये आपको हर जगह मिल जाएगा देखने को और इसका कैमरा मॉड्यूल आपको एक अलग ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसके हम स्पेक्स के बारे में और फीचर्स के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। देख सकते हैं इसका जो बेस वेरियंट है वो करीब 90,000 रुपये का मिलने वाला है 128 GB के साथ। अगर आप 256 GB के साथ जाते हैं तो आपको करीब 1,00,000 रुपये पे करना पड़ेगा और 512 GB के साथ जाते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये पे करना पड़ेगा, जिस कीमत पे आप मैक आप इसका आईफोन 16 प्रो ले सकते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो इसका 3G 4G 5G मिल जाएगा, वाईफाई NFC मिल जाएगा और एप्पल का 18 हेक्साकोर प्रोसेसर के साथ आपको फ़ोन मिलेगा। और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें डिस्प्ले मिलेगा आपको 6.7 इंच का स्मॉल लॉन्च रहेगा डिस्प्ले पे। और इसमें कैमरे सेटअप की बात करें तो इसमें डबल कैमरा होगा 48 MP और 12 MP का। फ्रंट की बात करें, फ्रंट में आपको भी 12 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा। डिटेल से हम इसके स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फ़ोन का वजन होने वाला है 199 ग्राम और थिकनेस की बात करें तो 7.8 mm का इसका थिकनेस होगा और स्क्रीन होगा 6.7 इंच का OLED स्क्रीन होगा। इसके डिस्प्ले में सभी तरह के फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। हालांकि आपको 16 प्रो और प्रो मैक्स में 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन इसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इसमें डबल कैमरा देखने को मिलेगा 48 MP और 12 MP का, जिससे आप 4K और 60 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम 16 प्रो और प्रो मैक्स की बात करें तो उसमें आप 120 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे। 12 मेगापिक्सल का आप फ्रंट का कैमरा होगा। और टेक्निकल बात करें तो इसमें एप्पल A18 चिपसेट होगा और हेक्सा कोर प्रोसेसर के साथ 120 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। इसमें 3G 4G आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और ब्लूटूथ का 5.3 और वाईफाई NFC देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो इसमें बैटरी 25 वाट का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी और फोन होगा फास्ट चार्ज। और इसमें FM रेडियो और 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा। और फोन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे तो देख सकते हैं आप, एक eSIM होगा, दूसरा नैनो सिम होगा और 199 ग्राम का फोन होगा। और इसमें आपको 4 से 5 वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88% मिल जाएगा। ये स्मॉल नॉच के साथ आता है और इसमें कोई कार्ड स्लॉट नहीं लगा सकते हैं आप। और 5G के बहुत सारे, इसमें ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन मिल जाएगा आपको देखने को। USB फीचर भी आप देख सकते हैं इसमें सारे दिए गए हैं, फेस अनलॉक दिए गए हैं। IP68 की रेटिंग है, जिससे आप इसका डस्ट रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस देख सकते हैं। कैमरे की बात करें तो इसमें डबल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 48 MP का बैक कैमरा और 12 MP का होगा। जो 48 MP का होगा वो 26 mm का होगा और 12 MP का 13 mm का होगा, जो कि अल्ट्रा वाइड होगा। कैमरे में सभी तरह का फीचर्स देखने को आपको मिल जाएगा। आप इससे 4K 60 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से भी आप 4K 60 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080p में भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें हेक्सा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इसमें CPU की बात करें तो एप्पल CPU 5 कोर के साथ ग्राफिक्स भी मिलेगा इसमें।
जाएगा, इसमें म्यूजिक है और वीडियो सपोर्ट देखने को मिल जाएगा आपको। 25 वाट का वायरलेस चार्जिंग होगी और फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी आपको। वीडियो प्ले करते हैं तो इसमें 27 घंटे तक आप लगातार यूज कर सकते हैं, और म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक लगभग 100 घंटे तक यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक वीडियो कैसा लगा आपको आप जरूर बताइएगा, और भी एप्पल के जो चालू वेरियंट हैं इसके बारे में वीडियो देखने के लिए आप वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं या वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं।